आज जो हम इसके लिए रोल प्ले कर रहे हैं सर, हमारे जो समाज में जेंडर जो तो ठीक आप समझ कर पाएंगे। हमारे पास ही परिचय है, बोलो क्या नहीं शायद ऐसे हो गया क्यों चला था कि पतला गया था कि लंबा गया था उसे चढ़ाते हैं। अच्छा ये वजह है और कोई बात तो नहीं। अच्छा हम सब साथ हैं, नहीं सब लोग मना करते हैं। नहीं नहीं मैं तो खेलूंगी। नहीं नहीं मैं तो नहीं खेलूंगी, मत खेलो, इधर आ जाओ, इनके साथ नहीं खेलो। आप कैसे क्यों बोल रहे हो ऐसा? मेरे को मारने भी बोला और साथ के बच्चों ने भी बोला था। मुझे तो कुछ अलग नहीं लग रही है, तो हमारी जैसी लग रही है। नहीं उसकी एक्टिविटीज देखिए, कभी बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, कभी इतनी लंबा पतला, कभी वो लड़कियों की तरह बोलता है, कभी लड़कों की तरह बात करता है। हाँ वो तो मैंने भी देखा, लेकिन सबका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमसे अलग अलग लग रहा है। देखो कितना शर्माया सा, कुछ अलग सा है ना। हाँ इसका चेहरा नीचे को लटका हुआ है ना, शर्मा रहा है। लेकिन फिर भी हमको इसके साथ खेलना चाहिए ना, वो कितना अकेला है। आइए हम साथ खेलेंगे, कोई बात नहीं, आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है? और हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ पढ़िए। मैम 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 देखिए ना, ये इनके साथ खेल रहे हैं मैम, इनके साथ नहीं खेलना है। आप देखो बच्चों, इनके साथ नहीं खेलना है, तो आप अलग खेलो, ये अलग खेलेंगे। तो इनके साथ खेलना मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे ये दोस्त भी हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा अलग दिया होगा है, और हम लोग को उसको ध्यान रखना चाहिए और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, सबके साथ मिलकर खेलना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए, तभी तो हम सब लोग एक बनेंगे। हाँ मैं आप सही कह रही थी, क्योंकि शारीरिक तो बदलाव सब में आते हैं, कहीं कुछ कम कहीं अच्छे कहीं बुरे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सब एक नहीं हैं, हम सब एक हैं और हमको अच्छे से एक दूसरे से साथ में रहना चाहिए और खेलना चाहिए। देखिए मैम, ईश्वर ने हमें अलग अलग ज़रूर बनाया है, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ खूब हुए हैं और सब अपने आप में, कभी भी हमें किसी को छोटा बड़ा या इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए जिस तरीके से आप और हम बच्चे मिलकर सोचते हैं, ठीक है? ये भी हमारे एक समाज का हिस्सा है, और अगर हम इनको साथ नहीं लेके चलेंगे तो फिर बिल्कुल अलग हो जाएंगे हमारे समाज से और अलग से लगेंगे। इस तरीके से हमें सबको अपने साथ लेके चलना है और इस तरीके की बात कभी समाज में नहीं करनी है, इसको हमें रोकना होगा, ठीक है? आज से सब इन चीज़ों को रोकेंगे और उनको भी सम्मान बराबर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं खड़े हैं तो हम अलग हो जाएं, या वो हमारे घर पर आ रहे हैं तो हम उनकी इज्जत ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? छोटे से लघु नाटक के द्वारा हमें बताना चाह रहे हैं कि समाज में हर इंसान की अपनी एक खास पहचान है, और हम उसकी पहचान का कभी मजाक नहीं करते, हो सकता को हमारे से ज़्यादा किसी और बात में टैलेंट है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने स्टार्ट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ, जिसमें हमने हमारा टॉपिक था सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस का प्रभाव एडोलेसेंट पर, यानी किशोरावस्था, जो कि हम लोग जिस लेवल पर पढ़ा रहे हैं कुछ प्राथमिक विद्यालयों में, तो हमारे पास उस लेवल के बच्चे आ रहे हैं वो किशोरावस्था में, जब वो प्राइमरी तक हो गए तब तक उनको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन जब वो सिक्स टू एट क्लासेस में अटेंड करते हैं तब वो कुछ ना कुछ चेंजेस पाते हैं,
जो कि फिजिकली मेंटली और हर तरीके से होता है, कहीं ना कहीं उनकी लंबाई को लेके, कहीं ना कहीं उनके शारीरिक बनावट को लेके, कहीं उनके रंग रूप को लेके बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें तीन टॉपिक्स लिए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है शारीरिक बनावट। जैसे कि हर बच्चा उसी तरह नहीं होगा, जैसे आपके घर में भी अगर दो या तीन बच्चे हैं तो वो भी एक जैसे नहीं होंगे, कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की कमेंट करते हैं। इसी प्रकार से स्कूल के अंदर भी हम लोग यही वातावरण भी देखते हैं, तो हमें वहाँ पर बच्चों की इस विसंगति को, इस सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो बच्चे थोड़ा सा कलर उनका डल है तो वो कहीं ना कहीं छुपते हैं, कोई भी कल्चर एक्टिविटी होती है उसमें वो सामने आते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि गोरे बच्चे ही सामने आके कुछ कर सकते हैं। तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा देश के विदेश के उन महान लोगों के विषय में जो रंग के बावजूद ऐसी ऊंचाई पर पहुँचे हैं, जैसे बराक ओबामा और बहुत सारे लोग जिनको आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और अभी हमारी जो राष्ट्रपति हुई हैं, आप उनके कलर को देखिए, लेकिन बच्चों को ये समझाएगा कौन, क्योंकि हम ज़्यादा टच में हैं बच्चों के, क्योंकि उनके घरों में तो ऐसी बातें होती नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, नेचुरल है, जिससे हम लोग अपने घर में बातें रखें, ग्रामीण क्षेत्र में उस तरह से घर में बैठ के बच्चों को बताया ही नहीं जाता। इसी प्रकार से कुछ बच्चों में लंबाई को लेकर भी बहुत विसंगतियाँ हैं, कि अगर कोई बच्चा लंबा है तो उसको लंबू लंबू बोलेंगे, कोई छोटा सा टिंगू टिंगू करेंगे। तो बच्चों को ये बताने की इन सब चीज़ों का कोई महत्व इतना जीवन में नहीं है, आपके अंदर की जो चीज़ें हैं, आपके अंदर की जो क्षमताएँ हैं, उनसे ही आपका जीवन आगे बढ़ेगा। लंबाई से क्या होगा कि आप एक आ जगह ठीक है आर्मी में चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो छोटे बच्चे हैं या जिनकी हाइट कम है उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए बहुत सारे क्षेत्र खुले हुए हैं, लेकिन उन क्षेत्रों से उन्हें रूबरू कराने का काम हमारे ऊपर है। दूसरा हम ले रहे हैं टॉपिक मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि कुछ बच्चे इन्हीं सब चीज़ों के लिए मेंटली डिप्रेस रहते हैं, और बच्चे इन्हीं कहेंगे हम लोग भी हो जाते हैं जब हमें सामने से कोई ना कोई कमेंट मिलता है, क्योंकि कहते हैं ह्यूमन नेचर होता है कि कोई आदमी अगर आपको कमेंट करेगा तो आप एक बार सोचोगे जरूर, या तो पलट के जवाब दोगे या आप चुप हो जाओगे। तो ये चीज़ें जब हम अपने आप से इम्प्रूव कर लेंगे तो बच्चों को भी हम इम्प्रूव करा सकते हैं। तीसरा है आपके पास आत्मसम्मान। कुछ ना कुछ बच्चे अपने इन्हीं भेदभाव की वजह से आत्मसम्मान ये भी कहीं ना कहीं कमियों को महसूस करते हैं, तो हमें उन्हें मोटिवेट करना है कि आप भी विशेष हैं, आप भी समाज में वो सब कर सकते हैं दूसरा बच्चा कर सकता है। ऐसा नहीं कि मॉडलिंग जो है सिर्फ गोरे लोगों की है, मॉडलिंग ब्लैक ब्यूटीज भी हैं। नाओमी कैंपबेल शायद आप लोग इस उसको जानते होंगे, टॉप मॉडल रही है और वो बिल्कुल ब्लैक और लेकिन बहुत अच्छी मॉडल बनी। तो ये सब चीज़ों को हम बच्चों को बता सकते हैं, और देखा जाए तो ये पूरी जो प्रक्रिया है हमारे बच्चे हमारे साथ शिक्षक और स्टूडेंट्स और ये आपकी सोच, इन तीनों पर ही डिपेंड करती है। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, जब हम बच्चों की सोच बदलेंगे।